बोलो जय माता दी। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम मेधा रावत एंड यू वाचिंग मेधा रावत ब्लॉग। जय माता दी। जय माता दी। आज क्या उत्तराखंड के कोटद्वार से कुछ ही दूरी पे क्या है एक मंदिर है जिसको हम दुर्गा माँ मंदिर कहते हैं, जो हमारे क्या गांव चमनाओं के रास्ते में भी आते हैं। हम कई बार आए लेकिन इस दर्शन नहीं हुए, इस मंदिर के हम दर्शन नहीं कर पाए। फाइनली आज हमारे को टाइम मिला है और हम आज क्या दर्शन करने आए हैं अपने जो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। मेरा राव जो है एक ब्लॉग बना रही है, वो हमारे को क्या इसमें कंपनी कर रही है। मेरा के पापा है, मैं मेरा की मम्मी हूँ, इनकी चाची है, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं दुर्गा मंदिर में एंटर करने के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ पे। जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। चलो आगे चलते हैं, दर्शन कराएंगे आपको। तो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं दुर्गा देवी टेम्पल, जो यहाँ का फेमस टेम्पल है, जो 15 किलोमीटर दूर है कोटद्वार से, एंड ये पड़ता है लैंसडाउन के रास्ते में। तो दोस्तों आपको दर्शन कराते हैं इस दुर्गा देवी टेम्पल के, जो है करीबन 500 साल पुराना मंदिर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं दुर्गा माता मंदिर में, एंड बगल में बह रही है कलकल करती नदी। दुर्गा माँ मंदिर में एक प्रथा है कि नारियल को क्या है यहाँ पे फोड़ कर आधा क्या यहाँ चढ़ाते, आधा क्या भक्तों के लिए प्रसाद के लिए। और इसी के साथ बोलो जय माता दी। जय माता दी। ये जो आधा नारियल है वो यहाँ माता को क्या है चढ़ाया जाता है, और माता के दर्शन के लिए हमारे को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे गुफा में है। और जोर से बोलो जय माता की, प्यार से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता दी। देखने से पता लगता है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं कि अंदर कोई मूर्ति या कोई फोटो नहीं है, और एक शिला है जिसे देवी रूप मान के हम लोग इसको पूजा करते हैं, और एक दिया जल रहा है जो हमेशा यहाँ पे प्रज्वलित रहता है, कभी भी ये बुझता नहीं है या कंठजोत यहाँ पे जलती रहती है। और लोगों की बहुत आस्था है, उत्तराखंड के सभी लोग देवी के दर्शन करने के यहाँ ज़रूर आते हैं। क्या कहते हैं रिबन। मैं बता रहा हूँ अंदर है शिव पार्वती। हाँ हाँ। इधर को अच्छा जोत के बगल पर। हाँ। इधर को है शिवलिंग। हाँ हाँ। शिवलिंग शिव जी और शिव पार्वती, ये है 500 साल का। अच्छा अच्छा। ये अपने आप निकली हुई है, अपने आप निकली हुई है, ये सिद्धपीठ है वो। अच्छा। अंदर हाँ, हाँ। यहाँ पर सड़क बन रही थी। अच्छा। ऊपर अच्छा। तो बार बार टूटता था यहाँ। अच्छा बार बार टूट सुन लो बार बार टूटता था यहाँ, और जबकि वो ठेकेदार था वो रोड बनाने वाला, वो यहाँ आया, वो अंदर उसने देखा यहाँ माता निकली हुई है। अच्छा। इधर शिवलिंग निकला हुआ। अच्छा। तो उन्हें पूजा पाठ करी
तब जाके रोड कटिंग हुई। अच्छा, पहले नुकसान हो गया, लेंटर टूट गया, ऐसे सड़क टूट गया। अच्छा अच्छा, सड़क टूट गई, तो उन्हें पूजा पाठ करी तब जाके सड़क डोडा तक पहुँचे। पहले गाड़ी मोटर कुछ नहीं थे, खाली पैदल जाते थे लोग। अच्छा, एक गाड़ी तो अभी वही है ना, जगह जगह रोड बनी जब। अच्छा, 500 साल का है ये। अच्छा अच्छा, हाँ ये है सिद्ध पीठ है अंदर असली। यहाँ के एक गाड़ी गिरे हैं ऊपर से सड़क में नीचे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। और जो गाड़ी नदी पहुँची है, 5 आदमी थे उनमें, 5 आदमी खत्म नदी, नहीं एक गाड़ी में नहीं, 5 आदमी खत्म। वो तो यहाँ जा रहे थे लैंसडाउन, गाड़ी गर्म हो गई नहीं जा पाया, तो फतेहपुर से वापस आए, ये उनकी मौत यहीं आई। पुलिस को निकाल दी लाश। ये बात आपको कितने साल हो गए इधर? हाँ, मेरे को तो 25-26 साल हो गए यहाँ पे। हाँ, ये चादर मेरे सामने लगे, चादर मैंने कहा चादर लगाना जरूरी है, यहाँ यात्री लोग आते हैं, यानी कई पत्थर गिरते हैं ऊपर से चट्टान से हर समय, इतने नगने वालों ने चादर लगवाई है। नीचे भंडारा के लिए बनाया, नीचे भंडारा कब लगता है? एक भंडारा तो ये तो आज साल भर में 2 भंडारा होता है, ये तो अशोक का थे कर एक गर्मियों में, यहाँ ऐसे है ना नवरात्रों में होगा। हाँ, नवरात्रों में ये तो हो चुका है, अगले बार जो कराएगा तो करेंगे। अच्छा, करेंगे अगले बार जो करेंगे। अच्छा, तो जो मूर्ति निकली है, मूर्ति निकली है जो है ये आपने देखा नहीं अंदर? इधर मूर्ति है शिव पार्वती, इधर शिवलिंग है। अच्छा, देखना पड़ेगा दोबारा, मेरे को कुछ नहीं दिखा। पिंडियां निकली है ना, पिंडियां निकली जहाँ पे जोत चल रही है। हाँ, अंदर वहाँ पे है जोत के बर्तन, जोत के ऊपर बर्तन रखा हो, माथे पे तो लगाओ। अच्छा, दोबारा देखना पड़ेगा, जाओ देख के जाओ, दोबारा देखूंगी मैं। हाँ, दोबारा देख लो। धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा मंदिर है? नीचे वाला क्या है? देवी दुर्गा देवी का मंदिर है। इसका कोई खासियत है? कुछ क्या है ना, ये तो ऐसे बनाया था हमने, इसका खासियत है। इसमें क्या है खासियत? सड़क नहीं है, मोटर रोड नहीं, काफी पुराना मंदिर है। आप कितने साल से इधर? 5 साल हुए। हाँ जी, 5 साल हुए। आपका गाँव? दुर्गा माँ का मंदिर है ये भी, और जो वो प्राचीन है, अभी इन्होंने नया स्थापित किया, वो प्राचीन है, उसकी 500 साल पहले पत्थर के रूप में, मंदिर के रूप में, ये मूर्ति के रूप में, इसको ज्यादा। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता की। तो गाइज ये था हमारा विजिट टू दुर्गा देवी टेम्पल, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी थी रही।